नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। दोस्तों आप देख सकते हैं एक ट्रॉली में जिस तरीके से जीरी जो है वो लोड की हुई थी, और बताया जा रहा है कि सुबह के 4 बजे जो है इसी रास्ते के ऊपर जो ट्रॉली का जो पिन है वो टूट जाता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सामान है, आप देख पा रहे हैं जितनी भी जीरी के जो बोरियाँ हैं वो फिलहाल पूरी रास्ते के ऊपर जो है वो बिखर जाती हैं, और बाकायदा जो पिन टूटा हुआ है, जो ट्रॉली का जो कॉर्नर टूटा हुआ है, वो टूटा हुआ कॉर्नर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल रास्ते पर ही पड़ा हुआ है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि सुबह के चार बजे जो है ये इस तरीके से ये यहाँ पर जो है ट्रॉली जो है ये टूटती है, लेकिन किस तरीके से टूटती है वो भी यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर करें। हाँ जी भैया, कितने बजे हुआ था ये? सुबह चार बजे। हाँ जी, तो ये आप ही के उसी के साथ ही थे, उसी में ही थे आप? नहीं, मैं ड्राइवर था साथ में, मैं तो गाड़ी। अच्छा, ट्रैक्टर चला रहे थे? घोड़ा था जी, घोड़ा गाड़ी होती है। अच्छा, घोड़ा गाड़ी। हाँ जी। अच्छा, उसका टूटा है ये? उसकी जो ट्रॉली होती है पीछे उसकी पिन टूट गई। जी, तो उसका जो पिन है वो टूटा है। जी, तो ये अभी फिलहाल कोई ऐसा कोई नुकसान जो है फिलहाल? ट्राले में नुकसान है जी, वो टूटा पड़ा, 2 टुकड़े हो रहे हैं पूरा ट्राला। अच्छा, टूटा हुआ वहीं पे पड़ा हुआ? हाँ जी। उसके पीछे का जो बैग, जो घोड़ा जो आप बता रहे हैं, वो टूटा था? हाँ हाँ, वो टूट गया था। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं सुबह 4 बजे जो कि फिलहाल बता रहे हैं कि जो टूटा हुआ जो ट्रक का हिस्सा है वो भी बता रहे हैं कि वो वहाँ पर जो है पड़ा हुआ है। फिलहाल वो भी हम आपको दिखाने का जो प्रयास है वो करेंगे, और अभी फिलहाल NDRI चौक पर मौजूद है हम। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये वो ट्रॉले का जो हिस्सा है ये देख लीजिए, और ये पूरे तरीके से गला भी हुआ था। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, ये देखिए जरा इधर कैमरा कीजिए, ये देखिए ये पूरा हिस्सा गला हुआ है। ये देख लीजिए कि पुराने ट्रॉले जो लोग इस्तेमाल करते हैं भारी सामान को लादने के लिए, आप अंदर का हिस्सा देख लीजिए, ये सारा हिस्सा जो है ये गला हुआ है, और उसके बावजूद इसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है तादाद के अंदर जो है जीरी को लोड किया गया, आप देख लीजिए। ऐसे हादसे होते हैं जब पुरानी व्हीकल्स को इतने लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है, ना उनकी कोई मेंटेनेंस होती है और ना ही कोई किसी तरीके का रख रखाव होता है। यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल जो कि ये इधर भी देख लीजिए कि लगभग सारा का सारा जो ये ट्रॉले का हिस्सा है, नंबर भी आप देख लीजिए HR 56A7522 नंबर, और इस तरीके से ये पुराना ट्रॉला जो कि पूरा खस्ता हालत के अंदर है, ये देख लीजिए ये खस्ता हालत के अंदर है। हर जगह से अगर आप देख लें तो जंग ही जंग है, यानी लोहा नहीं है अब ये, बिल्कुल जंग का हिस्सा जो है जंग बना हुआ है। और ऐसे में इसमें इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर माल लोड करना अपने आप में गलत है। मैं आपको यहीं से जूम करके दिखा दूँ तो पूरा रास्ता जो है वो रोक दिया गया है, पूरा रास्ता जो है वो रुक गया है इस हादसे की वजह से। जो आवाजाही है वाहनों की वो फिलहाल बंद हो गई है NDRI चौक पर, जो कि करनाल के खास जो है चौकों में से जो है वो आता है, रास्तों में से आता है। और यही हम लोगों से अपील करेंगे कि इस तरीके की जो ट्रक है पुराने, उनको जो है उनको कम से कम जो है ज़रूर डिस्पोज ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पुराना ट्रॉला है, जंग खाया हुआ ट्रॉला है। और ऐसे में यही अपील करेंगे कि जितने भी मालिक हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, वो अगर उनका कोई भी पुराना ऐसा कोई भी व्हीकल है तो उसे इस तरीके के कामों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे कोई भी बड़ा हादसा जो है इसका शिकार कोई आम व्यक्ति भी हो सकता है। हालांकि ये हादसा सुबह के 4 बजे हुआ, अगर यही दिन दिहाड़े होता तो हो सकता था कि वो सारा सामान किसी व्हीकल के ऊपर गिरता, और ऐसे में फिलहाल एक बड़ा हादसा जो है वो और भी ज़्यादा हो सकता था। हालांकि सामान नीचे गिरा है, उसे लादा जा रहा है, उसका जो नुकसान है, हालांकि उसकी कोई खास नुकसान जो है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जीरी को वापस जो है वो लोड जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रक का हिस्सा टूट कर ही नीचे की तरफ गिर जाता है, जो ट्राला होता है। तो ऐसे में आपसे अपील करेंगे, इस वीडियो को शेयर करें। अभी फिलहाल सामान को जो है वो जीरी के जो बोरियां हैं उन्हें लोड जो है वो किया जा रहा है एक अन्य ट्रक के अंदर, लेकिन पूरा रास्ते की आवाजाही जो है वो ख़राब हो चुकी है, और महज सिर्फ ये लापरवाहियों का नतीजा है, जो कि ये पुराने ट्रकों को चलाने वाले जो लोग हैं वो सतर्क रहे। इस तरीके से पुराने ट्रक, जंग खाए हुए ट्रकों के अंदर इस तरीके से सामान लोड ना करें, क्योंकि छोटे मोटे झटके आने पर भी जो है उनके जो चीज़ें हैं वो टूट जाती हैं। आपसे अपील करेंगे, वीडियो को शेयर करें। हालांकि सामान जो है फिलहाल जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, पुलिस उसे खूब जो है अब खूबी फिलहाल निभा रही है, अच्छे से ट्रैफिक निकाल रही है, और तब तक सामान को लोड जो है वो कर लिया जाएगा। और यहां पर फिलहाल आपसे अपील भी करेंगे, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, जिस तरीके से
एक पुराना जंग खाया हुए ट्रक के अंदर लोड जो है वो की गई जीरी, जिसके बाद उसका हिस्सा टूटा और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से ये हादसा, बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर इसका, अगर ये दिन दिहाड़े अगर हो जाता, क्योंकि ये सुबह के 4 बजे हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये ज़रूर है कि इसका जो टूटा हुआ जो हिस्सा है वो फ़िलहाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भी सारा का सारा हिस्सा जो है ये जंग खाया हुआ हिस्सा है। तो ऐसे में इस तरह के पुराने ट्रकों का इस्तेमाल करने वाले लोग सतर्क रहे हैं, और ऐसे ट्रकों की चेकिंग भी ज़रूर होनी चाहिए, उनका एक फिटनेस टेस्ट भी ज़रूर होना चाहिए कि क्या उनके पीछे सामान लादने वाला कोई भी ऐसा व्हीकल है तो क्या सामान लादने वाली जो लॉरी है वो सही रूप के अंदर सही तरीके से ठीक है भी या नहीं। आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें और फिर से जुड़ेंगे iBeam24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।